ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਆਰਡਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। हमने एक नई योजना बनाई है, मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना। इस योजना के तहत प्रीपेड मीटर किराएदारों के यहां लगाए जाएंगे। जैसे अपने प्रीपेड मोबाइल होते हैं, हम पहले पैसा दे देते हैं और उसके बाद वो उतने दिन चार्ज चलता रहता है, इसी तरह से प्रीपेड मीटर किराएदारों के यहां लगाए जाएंगे। वो प्रीपेड मीटर में प्रोग्रामिंग इसी तरह से होगी कि 200 यूनिट बिजली तक अगर करेंगे तो वो फ्री होगी। वो जो चार्जेस नॉर्मल लोगों को लगते हैं उनको भी वही लगेंगे। डोमेस्टिक में केवल ये एप्लीकेबल होगा। और अब किराएदार को NOC लेने की जरूरत नहीं है मकान मालिक से। किराएदार को केवल 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। पहला डॉक्यूमेंट है या तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी या रेंट रिसीट की कॉपी, दोनों में से एक कोई भी हो, और दूसरा उस एड्रेस पे कोई भी ID प्रूफ उसका हो। ये 2 डॉक्यूमेंट्स देने से बिजली का मीटर वो लगा सकते हैं। यहाँ पे अभी भी हम लोग ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं, चुनिंदा कुछ इलाके बचे हैं, बाकी पूरी दिल्ली के अंदर आज 24 घंटे बिजली है। पूरी दिल्ली के अंदर आज सबसे सस्ती बिजली है पूरे देश में। ऐसा कोई राज्य नहीं है पूरे देश के अंदर जहां 200 यूनिट बिजली फ्री हो। और दूसरे स्लैब्स के अंदर भी आज किसी भी राज्य के साथ मुकाबला कर लीजिए, सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली के लोगों को मिल रही है। तो अच्छी क्वालिटी की बिजली मिल रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है और सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। लेकिन दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को इसका अभी तक बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। जो किराएदार रहते हैं उसमें अक्सर देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है उसमें 2 किराएदार हैं, 3 किराएदार हैं, 4 किराएदार हैं, उनमें मकान मालिक ने मीटर एक ही लिए रखा होता है और उसी से सबको बिजली जा रही होती है, तो वो हाईएस्ट स्लैब में आ जाते हैं। उसकी वजह से भी और कई जगह मकान मालिक उनसे ज़्यादा भी वसूलते हैं। उसकी वजह से भी अक्सर देखने में आया कई जगह 8-8 रुपए, 10-10 रुपए यूनिट किराएदार जाता था, जिसकी वजह से किराएदार परेशान थे। किराएदारों को जो दिल्ली सरकार सस्ती बिजली दे रही है उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। तो कई किराएदार मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। हमारे पास चैलेंज ये था कि इसको कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तक कानून में ये था कि मकान मालिक से NOC लेना पड़ता था। अगर किराएदार अपना अलग मीटर लगवाना चाहे उसे NOC लेना पड़ता था। किराएदार मकान मालिक NOC देते नहीं थे। मकान मालिक को ये डर लगता था कि अगर NOC दे दिया तो ये उस पर अपना मालिकाना कब्जा हक जताने लगेगा और उसके घर पे कब्जा कर लेगा। मकान मालिक को डर लगता था कि किराएदार मकान पे कब्जा कर लेगा, इसलिए वो NOC नहीं देते थे। तो अब इसके दोनों तरीके निकाले हैं हमने, कानूनी भी और टेक्निकल भी।